इस अनस्पॉन्सर्ड वीडियो में मैं इसे मेरे ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर पे ट्राई करने वाली हूँ। आज मैं मिनिमलिस्ट का फ्रिज कंट्रोल SPF 30 हेयर सीरम रिव्यू करूंगी। ये एक लीव ऑन हेयर सीरम है। हाय, वेलकम टू लाइफ एडिक्शंस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है एंड आई कुडंट स्मेल दिस प्रोडक्ट। इसमें कोई अच्छा बुरा स्मेल नहीं है। इसकी MRP है 599 रुपीज, बट इनके प्रोडक्ट्स पे हमेशा डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं। मैं इसे खरीदने नहीं वाली थी क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे हेयर ऑयल्स एंड सीरम्स है जिन्हें खत्म करना है, पर मिंत्रा पे मुझे ये 350 रुपीज के करीब मिला एंड वहाँ पे बाय टू गेट वन सनस्क्रीन फ्री का ऑफर भी चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो खरीद लेते हैं, रिव्यू भी कर लूंगी। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में सेरामाइड और आर्गन ऑयल है जो कि हेयर को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। केराटिन है। आवर हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन नेम्ड केराटिन। इस सीरम में टाइनी फॉर्म ऑफ केराटिन है जो हेयर के कॉर्टेक्स तक जाके हेयर को स्ट्रेंथन करता है। हम में से कई लोग बालों में एक लगा के सोचते हैं कि बालों को प्रोटीन मिलेगा, पर वो प्रोटीन बालों में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। इस सीरम में SPF 30 है विच इज सपोज टू प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस, ताकि बालों में ड्राइनेस कम हो एंड अकॉर्डिंग टू मिनिमलिस्ट इससे हेयर कलर भी लंबे समय तक टिकता है। मेरे बालों की कंडीशन अभी बहुत ज्यादा खराब है। एक प्रोडक्ट की वजह से मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, जिसके वजह से मैंने हेयर रूट्स पे ध्यान दिया, हेयर फॉल पे ध्यान दिया एंड हेयर लेंथ पे नहीं। तो उसकी वजह से मेरे हेयर लेंथ अभी काफी ज्यादा ड्राई एंड डैमेज्ड है। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकेजिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ग्लास का बल्कि पैकेजिंग है विच इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर डेली यूज एंड प्रोडक्ट को ड्रॉपर में लेते ही अपने आप प्रोडक्ट निकल रहा है। मैं प्रेस भी नहीं कर रही, सो इट इज मेसी एज वेल। मिनिमलिस्ट के बाकी हेयर सीरम्स की तरह ही इसकी पैकेजिंग है, पर क्योंकि हम इसे डेली इस्तेमाल करेंगे, पंप पैकेजिंग या कोई लाइट वेट पैकेजिंग में होना चाहिए था, पर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वी कैन ट्रांसफर इट टू अनदर बोटल। इस सीरम में ऑयल्स एंड सिलिकॉन्स दोनों है, पर जो सिलिकॉन ज्यादा बिल्डअप क्रिएट करता है उसकी क्वांटिटी मुझे इसमें कम लगी क्योंकि फर्स्ट फ्यू इंग्रेडिएंट्स में वो नहीं है। सो इस सीरम से ज्यादा बिल्डअप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सीरम लाइट वेट ऑयल की तरह है। अगर हम इसे हीट प्रोटेक्शन सीरम की तरह इस्तेमाल कर सकते तो मजा ही आ जाता, पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो हीटिंग टूल इस्तेमाल करने से पहले हमें एक डिफरेंट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे हेयर लेंथ का कुछ पार्ट्स अभी बहुत ज्यादा ऑयली है और कुछ ड्राई। 5-6 ड्रॉप्स मैंने अपने आधे हेयर पे ट्राई किया है। आई वॉज लिटरली अमेज्ड। बहुत अच्छा लगा मुझे। ड्राइनेस कम लग रहा था, हेवी भी नहीं था। डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। देन आई अप्लाइड इट ऑन द रेस्ट ऑफ माई हेयर। ऑब्वियसली मेजर कोई डिफरेंस देखने में टाइम लगता है। मेरे बाल 5-6 घंटे बाद भी ठीक थे, तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये बहुत अच्छा काम करता है। A big thumbs up from me. Hope you enjoyed watching this honest review. Please don't forget to like, share and subscribe. Stay happy and keep glowing always. Bye-bye.